हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। मीन्स जब कोई पर्सन अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखता है जिससे कि वो इनकम जनरेट कर रहा है या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो है वो बिजनेस कर रहा है। मीन्स बिजनेस करने के लिए आपको उसमें डेली इंगेज्ड होना पड़ेगा। किसी भी एक दिन के काम को हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल्स आर रेगुलरली इंगेज्ड। पर्सन जो है वो अपने आप को बिजनेस में रेगुलरली इंगेज्ड रखेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सेल्स करेगा और क्या करेगा, टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करेगा। देन हम कह सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है। मीन्स सिंपल वर्ड्स में बिजनेस इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग जान लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए हम लोग जान लेते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। सो दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो हम अपना जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। कोई वर्कर है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उससे वो मंथली जो है पेमेंट अपनी पा रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रखेंगे। सेकेंड है अ डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक। कोई डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है, उसको चला रहा है, उससे उसके खर्चे निकल रहे हैं, वो अपना जीवन चला रहा है, तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल के अंदर रखेंगे। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसे वो जो है उससे अपनी कमाई कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसे हम भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर रखेंगे। अब हमारा जो है वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट्स, ईटीसी। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो किसी सिंपैथी या लव या सेंटीमेंट में आकर की जाती हैं, वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर आती हैं। जैसे आपके घर में कोई आ गया, आपने उसको चाय बना के पिला दी या किसी की हेल्प कर दी, कोई रोड पे जा रहा है किसी को रोड क्रॉस करवा दिया, ये सारे जो एग्जांपल हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इसका भी एग्जांपल आप लोगों को दे देती हूँ। अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। एक हाउस वाइफ है जो अपनी फैमिली के लिए फूड जो है वो कुक कर रही है, तो वो ये उनका लव है अपनी फैमिली के लिए, उससे वो इनकम या पैसे नहीं जनरेट कर रही है, तो इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। अ गर्ल हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन। एक लड़की है वो किसी ब्लाइंड मैन की हेल्प कर दे रही है या कर रही है सिंपैथी में आके, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे। सो बेसिकली जो एक्टिविटीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए की जाती हैं, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और जो एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए या सिंपैथी में आके की जाती हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि बिजनेस फर्म क्या होता है। सो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस परफॉर्म करती है उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो डेफिनेशन क्या है, दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड। मीन्स जो एक्टिविटीज अपनी लाइफ चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए की जाती है, उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं। एंड दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट्स, ईटीसी। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो सिंपैथी या सेंटीमेंट में आके की जाती है, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे। अब जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एम क्या है, द मेन एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट।
चलिए इसको द मेन एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू अर्न प्रॉफिट. हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. एंड द मेन एम ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेन एम होता है वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, जो सिंपैथी में आके की जाती है, जिससे हम कोई इनकम नहीं या कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करते हैं. ये बस हम एक सिंपैथी या सेंटिमेंट में आकर लोगों की हेल्प कर देते हैं, इसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. अब एंड रिजल्ट क्या है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर हम प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग करते हैं, सेल्स करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं. और हमारा जो एंड रिजल्ट है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग. मेंटल सेटिस्फेक्शन मीन्स किसी की हेल्प कर देना, सिंपैथी दिखा देना, किसी भी तरीके की हेल्प कह सकते हैं. कोई घर में आया, उसको कुछ बना के खिला दिया या उसको चाय पिला दी, तो ये सारी चीजें हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर आएंगी. अब हम कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल है टीचर, लॉयर, डॉक्टर. ये जो सारे हैं टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहा है, अपना घर चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे. डॉक्टर हैं, वो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उससे वो जो है समाज सेवा भी कर रहे हैं, बट साथ में प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, अपनी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं. सो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे. लॉयर हैं, वो कोई केस देख रहे हैं, वो भी अपना घर चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर आएंगे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के क्या एग्जाम्पल्स हैं, टीचर टीचिंग हिज सन. कोई टीचर है, वो अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है, उनसे वो कोई पैसे तो ले नहीं रही है, वो उनका लव है, उनकी केयर है, वो जो अपने बच्चे को दिखा रही है, पढ़ा रही है, सिंपैथी दिखा रही है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे. कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन. कोई डॉक्टर है, वो अपने बच्चे को ट्रीट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर रखेंगे. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. अब बच्चों हम लोग ध्यान लेते हैं कि बिजनेस का क्लासिफिकेशन क्या है. बिजनेस जो हमारा है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है हमारा इंडस्ट्री एंड सेकंड पार्ट है हमारा कॉमर्स. अब इंडस्ट्री के अंडर ये सारी चीजें आएंगी और कॉमर्स के अंदर ये सारी चीजें आएंगी. अब हम लोग जान लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है. सो इंडस्ट्री जो है वो हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री. सो प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा क्या होता है, जब कोई भी चीज हम जीरो से वैल्यू एडिशन करते हैं या नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर रखेंगे. मींस उस चीज को हमें रॉ मटेरियल खुद ही बनाना पड़ेगा, कुछ हमें मिल नहीं रहा है. जैसे सुगर केन हम पहले ग्रो करेंगे तो वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा. अब हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होता है जिसको प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है. जैसे मैंने आपको बताया सुगर केन हम लोग ग्रो करेंगे वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा, और सुगर केन से चीनी बनाने के लिए हम लोग उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में रखेंगे, उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, देन वहां पे वो सुगर केन चीनी में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगी, देन वो सेल्स के लिए जाएगा. अब हमारा टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या आता है, जो हमारी सारी सर्विसेज आती हैं, लाइक बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज. ये जो हमारी सारी सर्विसेज हैं, ये हमारी टेरिटरी इंडस्ट्री के अंडर आएंगी. इसमें हम सभी सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे. अब हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर और क्या चीजें आती हैं, एक्सट्रैक्शन आता है, जेनेटिक आता है. अब एक्सट्रैक्टिव क्या होता है बच्चों, तो एक्सट्रैक्टिव जब कोई भी चीज हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसे हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में रखेंगे. जैसे कि गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्टिव कहेंगे. जेनेटिक हमारा क्या होता है, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हनी बीज हो गई, एनिमल्स ब्रीडिंग हो गई, इन्हें हम जेनेटिक के अंडर रखेंगे. अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक सोप हो गया, इनके डिफरेंट प्रोसेस चला करते हैं, ये एक ही प्रोसेस में कंप्लीट नहीं होते हैं, और ऑयल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होंगी, उन्हें हम मैन्युफैक्चर के अंडर रखेंगे. हमारा सेकेंड क्या है, कंस्ट्रक्शन. जैसे कोई रोड बना देना, बिल्डिंग बना देना, डैम बना देना या स्कूल बना देना, इन्हें हम सब कंस्ट्रक्शन के अंडर रखेंगे.
अब मैं टेरिटरी इंडस्ट्री का आपको बता सकती हूँ, उसमें सारी सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, तो ऑल अबाउट ये जो क्या है वो ऑल अबाउट सर्विसेज से रिलेटेड है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कॉमर्स में क्या होता है। सो कॉमर्स हमारा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलरी ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होता है हम लोगों का और ट्रेड क्या होता है? सो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसे हम ट्रेड कहते हैं, और हमारा कॉमर्स में आ जाएगी सारी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रेड, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ये जो हमारी सर्विसेज हैं ये ऑक्सिलरी ट्रेड के अंदर आएंगी। अब ट्रेड में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड आइए हम लोग जान लेते हैं। इंटरनल ट्रेड वो होता है जब एक ही कंट्री के अंडर ट्रेड होता है तो जैसे इंडिया में ही एक जो है डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। अब हमारा एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड दो देशों या दो कंट्रीज के बीच में होता है, जैसे इंडिया का चाइना से या इंडिया का यूएसए, ऐसे ट्रेड को हम एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे जो देश के बाहर होता है। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर हमारा आता है होलसेल ट्रेड एंड रिसेल ट्रेड। जब कोई भी सामान या कोई भी चीज हम लोगों को बल्क ऑफ क्वांटिटी में लेनी होती है, जैसे टी शर्ट्स का बंडल हो गया, शर्ट्स का बंडल हो गया, ये सारी चीजें हम बंडल में लेते हैं या बल्क ऑफ क्वांटिटी में लेते हैं तो उसे हम होलसेल की शॉप से लेंगे या होलसेल ट्रेड से लेंगे। रिटेल हमारा क्या हो गया? जब कोई भी चीज हमें एक क्वांटिटी में चाहिए, जैसे ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया या और सोप हो गया, इसे हम एक क्वांटिटी में या दो क्वांटिटी में लेंगे तो इसे हम रिटेल ट्रेड के अंडर रखेंगे। अब हमारा एक्सटर्नल में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट हमारा क्या होता है? जब हम किसी दूसरी कंट्री से कोई भी सामान या गुड्स जो है मंगवाते हैं तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, जैसे यूएसए से कोई भी चीज है वो इंडिया आई तो वो इंपोर्ट होगा। और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया से कोई चीज यूएसए गई या श्रीलंका गई या चाइना गई तो उसे हम कहेंगे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट का मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे यूएसए है, इसका जो है श्रीलंका से रिलेशन अच्छा नहीं है। अब श्रीलंका में कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट है या मेडिसिन है कोई भी जो सिर्फ वहीं बनती है, तो अब यूएसए का तो श्रीलंका से फाइट है, वो उससे लड़े भिड़े बैठे हैं, तो अब इनको ये चाहिए तो ये लेंगे कहां से? श्रीलंका का इंडिया से अच्छा रिलेशन है, तो यूएसए क्या कहेंगे? इंडिया से कहेंगे आप हमको जो है श्रीलंका से वो ड्राई फ्रूट या वो मेडिसिन खरीद के दे दीजिए, बीच में आप भी कुछ कमीशन ले लीजिएगा। अब इंडिया मान गए हैं तो इंडिया ने श्रीलंका से जो है इंपोर्ट किया, यूएसए को एक्सपोर्ट किया, बीच में इन्होंने अपना कमीशन ले लिया, इसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट। मतलब यूएसए का तो श्रीलंका से फाइट थी तो उन्होंने अब उनको तो वो चीज चाहिए तो उन्होंने इंडिया की हेल्प ली, उन्होंने इंडिया से कहा आप श्रीलंका से वो ड्राई फ्रूट या मेडिसिन ले लीजिए और मुझे एक्सपोर्ट कर दीजिए और जो है मैं आपको उसमें से कुछ कमीशन दे दूंगा, तो इसे हम इंटरपोर्ट के अंदर रखेंगे। अब ऑक्सिलरी ट्रेड जो हमारा होता है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो रिस्क से रिलेटेड है कि माल हमारा आ जा रहा है उसमें कोई रिस्क ना हो। बैंकिंग सर्विसेज हमारी फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जो हम फाइनेंस करवाते हैं बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं ताकि हमारे पैसे सुरक्षित रहे, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हमें जरूरत पड़ने पर वो पैसे मिल जाए। इंश्योरेंस सर्विसेज, हमारा माल जल गया या फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ भी हो सकता है तो हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, बाई चांस कुछ हो गया, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गई तो हम इंश्योरेंस लेके अपने वो जो है हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल जाएगा अपना, तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा। वेयर हाउस की जो सर्विसेज है, अब हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक ही दिन में तो पूरा बिक नहीं जाता है, उसको बिकने में सेल्स होने में कुछ टाइम लगता है, तो हमें एक वेयर हाउस या स्टोर तो चाहिए ना अपने सामान को रखने के लिए, तो हम वेयर हाउस की सर्विस ले लेंगे ताकि उसमें हम अपना स्टोर कर सकें अपने गुड्स और उसको धीरे धीरे करके सेल्स कर सकें और प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया और ये चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।